सूरज चांद रहेगा। चांद रहेगा हेमंत यादव, हेमंत के हत्यारों को न्याय दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जब तक सूरज चांद रहेगा हेमंत यादव नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा हेमंत यादव नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा हेमंत यादव नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा हेमंत यादव नाम रहेगा, हेमंत यादव के हत्यारों को फांसी दो। मैं बीरलाल यादव, जिला पंचायत सदस्य बलिया। आज किस तरह का ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो कैंडल मार्च आप लोग निकाले हैं? आज हम लोग हेमंत यादव जी के पीडी कॉलेज के छात्र नेता हैं, उन्हीं के नाम पर ही श्रद्धांजलि निकाले हुए है। इसकी हत्यारों को सजा दिलाने के लिए हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। उनको फांसी, उनको ज्यादा से ज्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए। हेमंत यादव की जो ये निर्मम हत्या की गई है, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। मैं सरकार से ये विनती करता हूँ, उनसे ये अपेक्षा करता हूँ कि हम हेमंत यादव को जो हत्यारे हैं उनको तुरंत उनको गिरफ्तार करके उनको सजा की दी जाए। यादव समाज सेवी ग्राम सभा मझौली बजा। आज आप लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, क्या मांग है आप लोगों की? इस कैंडल मार्च का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अभी बीते दिनों टीडी कॉलेज पे एक परीक्षा दे के निकल रहे छात्र नेता की हत्या, निर्मम हत्या की गई, जो कि पूरे पूर्वांचल में एक हृदय विदारक घटना है। और उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय महंत योगी आदित्यनाथ जी का ये एजेंडा है कि हम पूरे प्रदेश को दंगा मुक्त, अपराध मुक्त कर देंगे। यदि कोई स्वजातीय लोग इस घटना का अंजाम देते हैं तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी पिछले एक महीना पहले एक घटना हुई प्रयागराज में, उनको, उनके हत्यारों को चुन चुन कर इनकाउंटर किया जा रहा है, उनके घर को जमींदोज कर दिया गया। बलिया में हुए घटना को अपराध, मुख्य अपराधी को पकड़कर उनको जेल तक भेजने में बलिया पुलिस नाकाम साबित हो रही है। बार बार छात्र नौजवानों की दबाव बनाने से, बार बार सोशल मीडिया पे कैंडल मार्च के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है। तो उन लोगों को, एक जो मुख्य आरोपी है, 3 दिन पहले उसको गिरफ्तार किया गया, कल उसको न्यायालय में पेश किया गया। क्या मामला था भाई, 3 दिनों से आप क्या कर रहे थे? ये शुद्ध रूप से ये साबित हो रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो स्वजातीय लोग हैं उनको अपराध के लिए खुलेआम छूट दे रखी है, और ये ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। यदि इस पे उन लोगों का मकान ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए, हम लोग का एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च किया गया है, यदि उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग आंदोलन के आखिरी स्तर तक जाने का प्रयास करेंगे। हम लोग पीछे रहने वाले नहीं है। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन का आखिरी कड़ी, जो जिस रूप में होना होगा, हम लोग पीछे नहीं रहेंगे।